गाइस ये है कब्बू की कार जो आप देख सकते हैं, तो हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो कबीर की कार दिलाइए कबीर के बाबा ने। कब्बू किसने? हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हमारे जाने का दिन आ चुका है वापस इंचोली। तो खुशी भी है गम भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत बहुत ज्यादा केयर करती है। जैसे एक माँ करती है ना, मम्मी मतलब केयर करती है, उस तरह से हमारी केयर करती है। माशाल्लाह बहुत मजा आता है यहाँ पे घर। जब भी आते तो जाने का दिल नहीं करता, मगर हमें भी अपनी मम्मी की याद आती है, और तो कभी को भी नानी की याद आ रही है और नानू की भी। तो कबीर भी और मैं भी दोनों साथ जा रहे हैं। तो हम शॉपिंग भी करने आए थे जामा मस्जिद से, शॉपिंग भी हो गई हमारी और यहाँ पे के साथ टाइम स्पेंड भी हो गया फैमिली के साथ पूरी। तो बहुत मजा आया। तो आज फाइनली जाने का दिन है और रेडी भी हो चुका हूँ, बैग भी पैक हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुका हूँ और कबीर भी रेडी हो चुका है। बस निकलना बाकी है क्योंकि 12 से भी प्लस हो चुका है और ठंड के दिन है, क्योंकि जल्दी दिन जाता है। तो और वैसे हमें इंचोली जाना है तो जल्दी से निकलना पड़ेगा, अगर ज्यादा रात हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और मेरे साथ सामान भी ज्यादा है और कबीर तो है, कबीर आपको पता ही है मेरे गोद में ही चढ़ता है, तो परेशानी भी हो सकती है। तो मगर हिम्मत करके जाना है। तो अम्मी वेट कर रही है क्योंकि अम्मी का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, घर में अकेली है बिल्कुल। तो जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं आपसे रास्ते में, बने रहिएगा एंड तक व्लॉग में और देखते रहिए अरगान सिद्दीकी व्लॉग्स। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे आगे चलकर, चलें रिमोट कार भी लेंगे, अभी रखेंगे मम्मी। तो हमारी तो तैयारी हो चुकी है निकलने की और बस निकलने वाले हैं। चलो बाय बाय हैं, चलो जा रहे हैं। चलो भाई कभी आज तो हालत खराब होने वाली है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बस स्टॉप पर, बस का वेट कर रहे हैं कबीर ये रहा, और रिमोट कंट्रोल अपनी गाड़ी मांग रहा था, मैंने थैले के अंदर रख लिए देखो। तो बैग अपने यहाँ रखे हैं, मैं बस का वेट कर रहे हैं, बस आएगी फिर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह हम गगन। तो गगन से हम ऑटो लेंगे फिर सीधा पहुँचेंगे मोहन नगर। गाइस हम उतरे हैं हर्ष विहार, तो गगन से आगे उतर गए, तो इस बस का लास्ट स्टॉप था। तो यहाँ से हम जाएंगे मोहन नगर, तो ये दिल्ली का बॉर्डर है, यहाँ से इधर साइड जाएंगे तो दिल्ली के अंदर एंट्री होगी और इधर साइड यूपी है। तो यहाँ से ऑटो लेंगे मोहन नगर जाएंगे। कबीर कैसा लग रहा है, घर जा रहे हो? हाँ चलो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। अभी गाइस हम उतर चुके हैं मोहन नगर, तो यहाँ से हमने ऑटो छोड़ दिया है। कबीर चले, तो कबीर को लग रही है प्यास, कबीर के लिए ले रहे हैं पानी, लो। तो अब सीधा जाएंगे, लो ना लो। तो सीधा जाएंगे नॉन स्टॉप मेरठ, क्योंकि यहाँ से हम बस लेंगे तो उसके बाद में हम कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जाएंगे मेरठ। तो ये आंटी आ रही है, शायद इनकी शॉप है, तो यहाँ पर कोई है नहीं। कहाँ चले गए थे? कितने की है पानी की बोतल? ये बड़ी वाली ली है, बड़ी बड़ी 20 की है। तो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि 12 बजे के निकले हुए और अब आए हैं, तो 5-5.5 घंटे लगे हमें आने में दिल्ली से। तो बहुत मतलब ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी तो दिल्ली में भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी जितनी यहाँ लग रही है, और रास्ते में तो बहुत ज़्यादा हवा भी लग रही थी। तो लास्ट टाइम पे कबीर ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, मतलब मेरठ में जैसे हम आ गए तो मेरठ से इंचोली तक आने में बहुत ज़्यादा परेशान किया, नहीं तो इतना अच्छे से आया दिल्ली से, मतलब खुद ही चल के खुद ही पैदल चला, क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा था तो मुझे परेशान नहीं किया, खुद ही बैग मतलब बैग मेरे ले रखे थे तो अपनी गाड़ी पकड़ रखी थी उसने,
तो लास्ट टाइम पे उसने इंचोली आते हुए परेशान किया, गाड़ी का बॉक्स वगैरह भी फाड़ दिया। मतलब मैं बस में ही चलाऊंगा, बस जिद कर रहा था, रो रहा था और जिद कर रहा था कि बस में चलाऊंगा, मुझे निकाल के दो। तो परेशान थोड़ा सा हो गया मैं, मगर कोई बात नहीं, इतना उतना तो चलता है। मगर अभी आकर सो गया है, क्योंकि नींद थी ना इसलिए जिद कर रहा था। तो जस्ट अभी सोया है, तो आपके साथ अनबॉक्सिंग भी करेंगे कार की, क्योंकि उसके बाबा ने उसको कार दी है, तो बहुत खुश था बहुत ज़्यादा। तो कल उसको लाकर दी, मगर हमने उसको नहीं दिखाई, सुबह जब हम लेकर आ रहे थे तब उसने देखी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और आपके साथ अनबॉक्सिंग भी करेंगे, क्योंकि अभी मैंने निकालने नहीं दी। तो कबीर को कार मिल गई है, अभी फ़िलहाल मम्मी मेरे लिए चाय बना रही है, तो चाय पीऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, सर्दी उतर जाएगी चाय पीने के बाद। फिर देखते हैं क्या रहेगा, बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए अफगान सिद्दीकी के ब्लॉग्स। दिखा रहा हूँ मैं कपड़े जो कि हमने दिल्ली से शॉपिंग की थी नेहा ने और मैंने, तो दिखा रहा हूँ बैग खोल रखा है यहाँ पे, क्योंकि बॉक्स तो मैं लेकर नहीं आया, क्योंकि बैग इतने बड़ा नहीं था, तो बॉक्स वहीं छोड़ कर आ गया, तो बॉक्स का देख लेंगे। तो फिलहाल कपड़े दिखा रहा हूँ, आप तो कितनी सारी टॉफी लेकर आया कभी कभी की मम्मी ने दी है, किसने दी थी कभी कभी दिखाना टॉफी, कभी दिखाओ तो, मम्मी ने दी थी। गाइस ये है कब्बू की कार जो आप देख सकते हैं, तो हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो कबीर की कार दिलाई है कबीर के बाबा ने, कब्बू किसने दिलाई पहले बताओ, जल्दी से बताओ किसने दिलाई है, बाबा ने दिलाई है ना। आप रात क्या बता रहे थे, हाँ कब्बू ने बाबा को कहा मुझे रिमोट कार चाहिए, तो उसके बाबा ने कबीर को दिला दी है कार। देखिए कितनी जबरदस्त कार है, रिमोट कंट्रोल कार है। तो अभी यहाँ से अनबॉक्सिंग करेंगे, नहीं बेटा यहाँ से अनबॉक्सिंग नहीं होती, यहाँ से खोलो। देखिए गाइस ये है कबीर की रिमोट कंट्रोल कार, तो कबीर ने अनबॉक्सिंग कर ली है। कबीर उठाओ गाड़ी, अपनी गाड़ी उठाओ जल्दी से। कबीर खुश हो आप, कब्बू ओ बेटे लाइट भी चल गई, कबीर की गाड़ी चल गई है। कबीर थैंक यू बोलो जल्दी से, बाबा को थैंक यू बोलो, बाबा थैंक यू बोलो, बाबा दिल्ली है, जोर से थैंक यू बोलो, जोर से इधर देख के कब्बू देख के जल्दी से देखो, थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो कबीर के बाबा ने दिए इतनी प्यारी कार, कब्बू चला के दिखाओ जल्दी से नीचे चला के। ओ बैग चला रहे हो, बैग कबू चलाओ, आगे को दूसरे वाले बटन से चलाओ। चलो जल्दी से चलाओ, जल्दी से। कबू ने चला ली बैग चला रहा है। अभी गाइस फिलहाल चलते हैं बाहर मार्केट में घूमने के लिए। तो कबीर ने अपनी रिमोट कंट्रोल कार आते ही चला भी ली है, तो आती तो पहले तो वो सो गया था, अभी सो के उठा तो उसने अपनी गाड़ी चला ली और अनबॉक्सिंग करी आपके सामने, आपने देख भी लिया है, बहुत ज़्यादा खुश था। तो कल देखते हैं कल क्या हाल करेगा इसका, वैसे बच्चे ना जल्दी से तोड़ देते हैं गाड़ी, तो देखते हैं जो भी रहेगा देखेंगे आप कल भी, कभी कैसे इसको चलाएगा, किस तरह से इसकी केयर करेगा, ख्याल रखेगा या नहीं, वैसे बस बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो फिलहाल चलते हैं बाहर, मिलते हैं आपसे बाहर चल के। तो भी गाइस हम तो आ चुके हैं घर और ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब दिल्ली में इतनी ठंड नहीं लग रही थी, जबकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर ठंड नहीं लग रही थी, मगर यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और फॉग भी है। तो 9 बजे से फॉग आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा फॉग है। तो अभी तो फिलहाल हमने कॉफ़ी वगैरह पी ली है और मस्त एकदम आराम से एडिटिंग करेंगे, फिर सोएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज। 12:30 बजे हम दिल्ली से निकल चुके थे और फिर भी 5:30 हमें बज गए, मतलब 5:30 घंटे हमें लगे घर आने में, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फिलहाल स्लीपिंग करेंगे एडिटिंग करने के बाद, और ये व्लॉग कल भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे और व्लॉग की एडिटिंग करनी है, और भी मेरे पास व्लॉग पड़े हैं जिनको एडिट करना है। तो फिलहाल इस व्लॉग को हम कल कंटिन्यू करेंगे, अभी
मिलते हैं आपसे कल। चलाना शुरू, अभी बेड के नीचे पहुंचा दी थी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 11:30। तो अभी हम जा रहे हैं सदोपी घर, कबीर जिद कर रहा है तो सदोपी के घर जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे वहीं जाकर। कहाँ जा रहे हो कबीर? सदा आंटी के जा रहे हो? चलो तरबूज वाले खिलौने इसने के लिए। अच्छा, और मैसा के लिए? अच्छा चलो। हम तो आ चुके हैं बाहर से घूमकर, कबीर सदप्पी घर था तो सदप्पी के घर से कबीर को भी ले लिया। तो कबीर जा रहा है छत पे अपनी रिमोट कार चलाने के लिए। तो भी आज देखना दोबारा, जिद करता है बहुत ज्यादा। कबीर क्या चला रहे हो? रिमोट कार? कबीर रिमोट कार चला रहा है। तो भी हमारी जलाने की तैयारी आप देख सकते हैं, कैसे लकड़ियां तोड़ रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत। और ठंड ऐसी चल रही है बस हमारे यहाँ जैसे कोई कश्मीर आ गया हो। तो पहाड़ से लेकर आए हैं ये कटी छान की करके यहाँ से, बस अभी जलेगी और उसके बाद वहां देखेंगे। तो जल गई हमारी आग बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत की रमीज भाई ने और मैंने। तो गाइस हम जा रहे हैं पहाड़ और मेरा खाना पीना हो चुका है। तो बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा बर्फीली हवा चल रही है। तो जस्ट अभी खाना पीना हुआ है और कबीर देखे पीछे, देखो अपनी गाड़ी से खेल रहा है। तो कल से जब से इसकी गाड़ी आई है दिल्ली से, जब से ये गाड़ी में ही लगा पड़ा है, बस गाड़ी 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 रोड पे बाहर लेकर जा रहा है, वहाँ खेल रहा है, छत पे खेल रहा है। तो बहुत मस्ती कर रहा है गाड़ी के साथ, मुझे लगता है जल्दी से इसको खत्म भी कर देगा, तोड़ देगा। तो बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा, दिल्ली में इतनी नहीं लग रही थी, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा लग रही है। तो सोच रहे हैं बस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज हमने कुछ खास दिखाया नहीं है आपको, बस ऐवे ही आज खामा खाम ने व्लॉग कंटिन्यू कर लिया, कल ही एंड करना चाहिए था रात में। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्यार देना आप, क्योंकि आप सबके प्यार सपोर्ट की जरूरत है और चाहिए आगे भी। तो फिलहाल इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को न्यू सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye.